Hi guys, welcome back to my channel. So in this video, I'm gonna talk about like in latest what all products I have purchased from a Black Friday sale. Before I was like कि मुझे नहीं लेना है कुछ because मैंने अभी ही लिया था makeup mystery से foundation and all. I keep purchasing every week, but when I was like कि यार कुछ तो लू मैं क्योंकि यार sale है, so I just went to the mall Nykaa के अंदर गई and I was like कि क्या लूँ मैं and I wanted a very good full coverage concealer without creasing and I always in a fond of getting a kind of a liquid matte concealer. Cream based concealer doesn't suit my under eye, it really creases a lot, बहुत dry होता है. Then I was like कि I have literally like studied a lot, research about the e.l.f. cosmetic. If you have been knowing, e.l.f. is something like it's a dupe of Tarte Shape Tape concealer, वो high end का है और this is something at a very affordable price. Like per concealer is 600 rupees का है and they were giving एक पे एक free and I was like यार ये तो सबसे best deal है, मेरे को तो e.l.f. लेना ही है. और online वाला कभी समझ में नहीं आता है कि like shade range and all, pink undertone, yellow undertone, Indian skin are majorly of a pink, not it's not a pink, like me, we more of like a yellow undertone. So these are the two shades like from a brand e.l.f. cosmetic and one is like medium warm and the light beige, lighter medium shade liya. मैंने actually darker भी लिया था but there was not in a stock. तो मतलब कोई बात नहीं, दोनों है. मतलब एक normally इसका pricing is 600 but I got one पे one free which is like 300 में मिला. तो मतलब मुझे तो ये try करना है. It's a dupe of a Tarte Shape Tape concealer, वो high end में होता है और इसकी finish भी बहुत अच्छी है. तो I was like I want to give it a try. मैंने literally आज use भी किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि नॉर्मली मेरे अंडर आईज क्रीज हो जाती है आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम. बट अभी नाउ लेट्स सी, इसको मैं और रखूंगी एंड देन आई एम डेफिनेटली गोना रिव्यू अबाउट दिस थिंग. सो प्लीज लाइक स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड फिर कंसीलर दो लिए और मैंने ये पुट्टी प्राइमर, लाइक यू नो द वन हू हैव वेरी ऑयली स्किन, बड़े बड़े पोर्स है, उसको फिलअप करने के लिए नॉर्मल सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर काम नहीं करता, अच्छे से बहुत ऑयली हो जाता है. तो इसके लिए आई वॉन्टेड टू टेक समथिंग लाइक लिटिल थोड़ा थिकर में, क्रीम बेस्ड में. एंड दिस इज अ मैट पुटी प्राइमर फ्रॉम e.l.f. कॉस्मेटिक. इसका बहुत ज़्यादा हाइप है और ये बहुत रनिंग भी है e.l.f. में. तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि मे बी लाइक नो एक्सट्रीम ऑयली के लिए कैसा काम करेगा ये. एंड दिस इज फॉर ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ अ स्किन टाइप के लिए है, ड्राई नॉर्मल सब लोग यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमर, सो दैट आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्टिक रहे. और इसका कॉस्टिंग क्या था, लाइक समथिंग लाइक आई गेस 600 के रेंज में ही है. आई डोंट इवन रिमेम्बर द प्राइसिंग. नो बेबी, दिस इज 1100. ओह गॉड, लिटरली आई शॉप्ड लाइक 5 to 6 प्रोडक्ट्स एंड मैंने 5000 की शॉपिंग कर ली. ओके, तो दिस इज समथिंग 1100, बहुत महंगा होता है मेकअप, बहुत ज्यादा. फिर उसके साथ आई एम लाइक आई डोंट लाइक मैट फिनिश लिपस्टिक और समथिंग. इफ आई विल यूज अ मैट लिपस्टिक और क्रीमी तो मैं उसके ऊपर ग्लॉस लगाती हूँ. मेरा जो पहले का ग्लॉस था वो कोई दूसरा ब्रांड था, आई डोंट इवन रिमेम्बर कौन सा है. तो ये वाला e.l.f. का मैंने फिर से आई गेस ये ही मैं पहले यूज कर रही थी, मैंने ऑनलाइन मंगाया था. तो मैंने एक और एक ले लिया क्योंकि आई एम इन लाइक आई रियली लाइक दिस ग्लॉस, मुझे बहुत बहुत पसंद है न्यूड ग्लॉस. और इसका भी कुछ रेंज वाइज समथिंग 650 का ग्लॉस आता है, देखो कितना महंगा है. बट आई गॉट एक पे एक फ्री तो आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा ही है. तो ये मैंने 4 प्रोडक्ट e.l.f. का लिया. और फिर मैंने लाइक आई एम बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, आई ऑलवेज लाइक यू नो कि दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स भी एक्सप्लोर करो और अलग अलग शेड रेंज भी लो. तो आई हैड लाइक यू नो पीएसी का मैंने मेकअप मिस्ट्री से लिया था बट डार्कर शेड नहीं था मेरे पास. तो आई गॉट दिस टू मिलाने का, इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन एंड रियली ये प्रोडक्ट का बहुत पीपल हैव बीन रेविंग सो मच. एंड आई हैड वन बट बाय मिस्टेक आई टुक अ वेरी रॉन्ग शेड 02 नेचुरल और वो बहुत ही पिंकी टोन है. तो ये टाइम मैंने सोचा मैं ऑनलाइन तो मंगाने नहीं वाली, आई एम जस्ट गोइंग टू गो टू द स्टोर एंड गोइंग टू गेट इट. एंड दिस इज समथिंग वन शेड, इसका कॉस्टिंग इज समथिंग 1600 का पर शेड आता है और इट्स अ फुल कवरेज एंड लाइक इट गिव्स यू अ मैट फिनिश एंड इट इज 2-in-1 विच इज लाइक कंसीलर प्लस फाउंडेशन. एंड इसका कॉस्टिंग समथिंग 1600 विच आई ऑलरेडी स्पोकन. एंड आई गॉट टू शेड, वन द शेड इज 10 में एंड सेकेंड शेड इज समथिंग 11 एम्बर, डार्कर एंड मीडियम टू 10 स्किन टोन. ये हो गया दो. और इस पे कैसे ना, ये मिलाने पे 1600 का था तो मुझे 1200 में कुछ मिला, तो दैट वाज समथिंग लाइक 400 का डिस्काउंट पर पे. बट आई वाज लाइक ठीक है,
सो आई रियली प्रेफर लाइक इन्वेस्टिंग इन टू अ वेरी गुड प्रोडक्ट सो दैट फिनिश अच्छी आए क्लाइंट्स पे मैं फेस पे लगाती तो आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई प्रोडक्ट आई जस्ट गॉट दिस एंड लाइक आई डिड नॉट हैव लाइक आई नो मीडियम टू डार्क स्किन तो मैंने मेबेलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट लिया और ये रियली बहुत अच्छा फिनिश है. मैंने फेस स्कैनर लगा भी यूज़ किया बट मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा. ये मैं यूज़ करूँ तो मुझे ये अच्छा लगा. आई हैव लूज पाउडर लाइक फॉर 52 के ब्यूटी का भी अच्छा है, फॉर 52 का लूज भी अच्छा है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे बट ये कॉम्पैक्ट 310 का, इसका भी कुछ 600 का रेंज आएगा. सनबेज का शेड नेम है. दिस इज फॉर नॉर्मल टू ऑयली लाइक इट गिव्स यू अ वेरी मैट फिनिश. सो दिस आर द प्रोडक्ट विच आई हैव परचेज फ्रॉम ब्लैक फ्राइडे सेल एंड आई वॉज वॉचिंग ऑल लाइक पूरे मेरे हाथ पे, फोर आर्म पे, सब जगह स्वॉच कर करके शेड देख रही थी बिकॉज आई वॉज सो कन्फ्यूज. लाइक ऑनलाइन मत देखो इफ यू वॉन्ट एंड देयर इज अ सेल, गो एंड ग्रैब इट. लाइक लिटरली नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गो थोड़ा पहले. ये टाइम लास्ट था तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिली ही नहीं. आई वॉन्टेड हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड पैलेट, मैंने इतना स्वॉच किया, इतना अच्छा है, मेरा मन हो गया. 5000 की पैलेट है और 4300 में कुछ मिल रहा था बट आफ्टर डिस्काउंट, बट देर वॉज आउट ऑफ स्टॉक. So I was like, कि नेक्स्ट सेल में आई एम गोना ग्रैब दैट पैलेट टू. और फाउंडेशन पे देर वॉज नो, लाइक हुडा के फाउंडेशन पे नहीं था कुछ भी. तो लाइक कोई कोई प्रोडक्ट पे नहीं भी है, सेल नहीं था बट अभी तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं. तो ये था मेरा छोटा सा मिनी वीडियो विच आई हैव परचेज. आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस एंड आपको कोई भी रिव्यू चाहिए, कुछ भी डिटेलिंग चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन. लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. विदाउट फेल हिट द बेल आइकन. बाय गाइस, आई लव यू.